हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज वल्लयन। तो यहाँ पे सबसे पहली ड्यूटी लगी है आटा पिसवाने की। तो यहाँ पे ऑफिस से आके सबसे पहले मैंने गेहूँ निकाला और डब्बा लास्ट टाइम ही धोया था, तो इसके लिए मैंने धोया नहीं। और अभी उसमें इतनी घाई थी तो मैंने उसमें ही फटाफट गेहूँ डाला। ये करीबन मैंने 7-8 किलो गेहूँ पिसवाया। तो वो करके, क्योंकि आटा नहीं होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, और मुझे भाकरी करने को बहुत प्रॉब्लम होती है इतना ऑफिस के चलते। मम्मा का स्ट्रांग बेबी है। किधर गए मम्मा का स्ट्रांग बेबी? हाँ, खड़ा करके रख। गुड बॉय मलिच्छानु बाबू। तो आयन मेरी हेल्प करते हुए पूरा वो गेहूँ का उधर तक लेकर रख गया। तो फटाफट मैं गेहूँ पिसवा के आ गई। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डब्बे से ये हो रहा था, तो फिर मैंने उनको थैली दे दिया। तो थैली में दे दो। और ये हमारा 3 पोते आए थे गेहूँ के, तो 2 मैंने धूप में सुखाए और ये 1 चालू में यूज़ करना था, तो फिर उसको नहीं सुखाया। इतना मतलब टमाटर का हालत ख़राब हो गया है मार्केट में, बहुत महंगे हो गए हैं। ये इतने ही बुरे दिन बचे थे जो इतने महंगे, जहाँ 20 रुपीज़ केजी कहाँ और 160 रुपीज़ केजी कहाँ पे। पर अभी क्या करते, लगते तो लाना ही पड़ता है। भिंडी मुझे मिली है 30 रुपये आधा किलो, फ्लावर मिला है मुझे वो 30 रुपये का, और टेनली मिली है वो मुझे मिली है 30 रुपये या 40 रुपये की आधा किलो। तो इतनी सब्जियाँ महंगी हो गई है, क्या करें, अभी खाना ही पड़ता है। तो आयन को थोड़ा टाइम होमवर्क के लिए बिठाया है, बहुत परेशान करता है पर कर लेता है, थोड़ा सा टाइम पास करता है पर कर लेता है। मुझे बोलता है मम्मा दे, तेरा भी, तू ऑफिस से आई है, तेरा भी सर दुख रहा है ना, मैं एक साइड से लिखता हूँ और एक साइड से तेरा सर दबाता हूँ। तो हिंदी का होमवर्क ख़त्म हो गया, अभी वो इंग्लिश का कर रहा है बैठ के। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा छुट्टी था तो मुझे थोड़ा रिलैक्स था आके शाम को। तो बोला मेरा थोड़ा बहुत तो गेहूँ वहू का तो काम कर लेती हूँ। तो प्लान किया था हस्बैंड ने 4 दिन पहले कि तेरी छुट्टी हो गई तो सबसे पहले पाव भाजी बनाना, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है पाव भाजी की, और उनको मेरे हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। तो फ्लावर वगैरह सब लाया था, आपने देखा सब्जी। तो फटाफट मैंने मटर भी थे और बटाटे, मटर और फ्लावर। फ्लावर को मैं पहले ऐसे गर्म पानी में ले लेती हूँ, क्योंकि वो कीड़ा वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसे अच्छी तरीके से बॉईल होने के बाद उसको 2-4 बार धो के उसके बाद मैं ये वाले मिक्सचर में डालती हूँ, मैं जो मैंने पानी डाला। ये व्लॉग भी मेरा थोड़ा आगे का शूट किया हुआ है, क्योंकि आयन का स्कूल में आई कार्ड सबमिट करना है, उसको भी मैंने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी उसको पढ़ाना। उसका डे रेगुलरली तो स्कूल से आ गया है, तो बोला चल फटाफट जब तक कुकर की सीटी हो जाएगी, हस्बैंड को बोला सिर्फ इतने सीटी करके गैस बंद कर। लोग जा रहे हैं, आयन का फोटो निकालने के लिए आती हूँ, छुट्टी है तो उसका स्कूल का आई कार्ड के लिए फ़ोटो चाहिए, उसके लिए मैं जा रही हूँ। तो हमारे घर के एकदम सामने ही है फ़ोटो स्टूडियो, तो मैं फटाक से वहाँ से उसका आई कार्ड के लिए फ़ोटो बोला निकाल के लाती हूँ। ये मेरे ऑलरेडी 2-3 वीक ऑफ और हो चुके हैं, उसके पहले का वीडियो है ये। तो एडिट करने का ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो बोला एक बार अभी एक साथ 2-3 वीडियो और मुझे एडिट करना है। हम लोग फिर बिजी हो जाते काम में तो रह जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी फ़ोटो वोटो निकाला, शाम को बोला मिल जाएगा। तो देखो मेरा तब तक पाव भाजी का मिक्सचर भी रेडी हो गया, आके मैंने फटाफट ऑनियन, टोमेटो, कैप्सिकम सब चॉप कर लिया और पाव भाजी बनाने के लिए लग गए। एकदम मेरा एकदम सिंपल वे, इजी वे होता है, मैं कोई तामझाम नहीं करती हूँ, मस्त बटर में बनाती हूँ पाव भाजी, बटर डालती हूँ और वही ऑनियन टोमेटो डाल के सारे मसाले डाल के वैसे ही पाव भाजी होती है मेरी सिंपल। तो वो बटर में जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल के बस वही ऑनियन अच्छी तरीके से सौते हो जाता है, पूरा ऊपर से ऑयल दिखता है, उसके बाद टोमेटो ऐसे डाल के हो जाता है फटाफट। Thank you.
लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, पाव भाजी मसाला, ये सब अच्छे से डाल के एकदम पकने के बाद ही मैंने ये जो बटाटा वाला मिक्सचर है वो डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा तीखा कम हुआ है तो फिर से मैंने लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला थोड़ा सा डाल दिया था ऊपर से। तो आयन ने तो बहुत एंजॉय करके खाया, उसने पूरे दिन खाया, दोपहर को भी खाया, उसने शाम को भी खाया, उसने रात को भी खाया, थोड़ा थोड़ा उसे स्पाइसी भी अभी मैं बहुत अच्छा खासा देने लगी हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता उसका खाने का कि मुझे अलग बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। मेरे जो नॉर्मल घर में मैं खाना बनाती हूँ वही खाता है वो, जब से वो दो या ढाई साल का हुआ था तब से। पहले मैं थोड़ा सा उसके लिए फीका निकालती थी, पर जब से वो 2.5 साल के बाद तो मैं उसको जैसे हमारा ही घर का खाना देती हूँ मैं, तो थोड़ा उसे भी आदत हो जाए। तो मैं ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ, पाव भाजी हमें नहीं पसंद है, स्पेशली हस्बैंड को ऐसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही चाहिए। और एक साइड में मैं साइड में अभी बटर लगा के अच्छी तरीके से पाव ये कर लूँगी। तो हमें ऐसे सेके हुए पसंद है, पहले मैं खा लेती थी ऐसे मम्मी के पास, पर अभी यहाँ पे आने के बाद हस्बैंड को ऐसे एकदम प्रॉपर शेक के ही चाहिए पाव गरम गरम। तो अभी वो मुझे भी वही आदत लग गई है, तो ऐसे बनती है पाव भाजी। तो फिर हमने ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, हस्बैंड को भी चीज़ डाल के दिया, फिर आयन भी बोला मुझे भी चीज़ दे दे, फिर उसको भी थोड़ा सा चीज़ दिया। मैं ज़्यादा चीज़ वगैरह उसको नहीं देती हूँ, नॉर्मली देती हूँ। और देखो देखो उसका एक्सप्रेशन देखो, बहुत टेस्टी बना है। जब बच्चा ऐसे बोलता है ना तो बहुत खुशी होती है, तो उसको ऐसे सैंडविच, पिज़्ज़ा ये सब खाना बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे बहुत कंट्रोल में ही देती हूँ ये सब खाना, नॉर्मल सब्जी रोटी ज़्यादा रहता है, पर कभी बच्चे को हो जाता है ना। ये देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है, तो वो करीबन 5 बजे फिर से लेके बैठा दो पाव। उसके बाद रात को भी उसने खाया, तो उसने मेरी छुट्टी होती है ना तो उसको तो बहुत मज़ा आती है, थोड़ा डांट भी पड़ता है पर उसको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा की छुट्टी, देखो 5:15 बजे। उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने, मुझे इतना पाव भाजी नहीं खाना था, तो फिर मैंने मेरे लिए दाल कर लिया, तूर दाल और लौकी का सूप टाइप। तो ऐसा था आज का व्लॉग, आई होप आपको ये पाव भाजी वाला पसंद आया होगा।